हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम बाय फराशा। हाजिर हूँ आपके साथ एक सामने एक नया वीडियो लेके। और जी, आज का ये स्पेशली आई लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है ये वीडियो इसके ऊपर है। इसके शेडोज देखिए आप कितने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। मोस्टली जो होता है ना आई शेडो के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इतना ज़्यादा पिगमेंट उनका जब आप आइस पे लगाते हो तो इतना ज़्यादा निकल के नहीं आता। कंसीलर लगाते हैं, ऑफकोर्स वाइट बेस लगाते हैं, वो भी रहता है, उससे भी सही आता है, लेकिन मेरे हाथ लग गया है एक ज़बरदस्त सा शॉर्टकट जी। मैंने ऐसे ही ट्राई करा था, मुझे एक चीज़ मिली, मैंने ट्राई करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर ये हैक कर ले, आप कुछ भी कह लें इसे तो शेयर करती हूँ। हाँ, तो जी अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करा था ये सीसी ब्यूटी का फेस पेंट पैलेट। ये प्रोफेशनल फेस पेंट पैलेट है, दिखाती हूँ आपको। ये है जी वो पैलेट, सीसी ब्यूटी का प्रोफेशनल फेस एंड बॉडी पेंट, जो आप फेस पे बहुत सारे लुक्स लोग करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। ये वाटर बेस्ड नहीं है, ये ऑयल बेस्ड फार्मूला है, क्रीम बेस्ड फार्मूला है। और ये सारे इसके कलर्स हैं, ये सारे रेगुलर्स कलर्स हैं, वाइट और ब्लैक ज़्यादा है, और ये सारे इसके शिमर शेड्स हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका जो ये मजेंटा शेड है ना, ये वाला जो शेड है, इसको मैंने एज अ बेस अप्लाई करा। अब आप आई शेडो के बेस ज़ाहिर कंसील करते हैं, उससे भी कलर आता है, लेकिन मोस्टली अब ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि आप जो है कलर जो आई शेडो लगा रहे हैं उसी का आप कलर बेस लगाएं तो वो ज़्यादा पॉप आउट होके आता है। पी लुइस के हैं और बहुत सारे आई शेडो बेसिस हैं जो चलते हैं, मैंने भी काफ़ी सारे लिए थे इसमें के काफ़ी सारे ये आई शेडो बेसिस आते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। एक आध इसमें से मिसिंग आई डोंट नो कांड। ये अप्लाई करने के बाद जब आप अपने आई शेडो लगाते हैं तो वो जाहिर है बहुत अच्छा सा पॉप आउट होके आता है, लेकिन अलग अलग कौन कौन से कलर के इंसान इतने ज़्यादा खरीदेगा। तो मैंने इसको फेस पेंट के लिए मंगाया था, लेकिन ट्राई करके देखा, चलो इसे आई शेडो बेस की तरह लगा कर देखते हैं। और ये बिल्कुल सेफ़ है, पैलेट काफ़ी सेफ़ है, और ये जाहिर है फेस पेंट है, ये बच्चों के ऊपर भी यूज़ करा जाता है, लोग बच्चों के ऊपर भी यूज़ करते हैं, अपने फेस पे भी यूज़ करते हैं। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, मैंने अपने ऊपर ये 2-3 बार ट्राई करा है, मुझे तो ये बिल्कुल सेफ़ लगा, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी सबके अपने स्किन के अपने अपने इशूज़ होते हैं तो उसका मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे लिए हाँ ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लाइफ सेवर कह लो, ग्रेम चेंजर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ज़बरदस्त पैलेट है। अब इसके साथ मैंने ये आई लुक कैसे क्रिएट करी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, सबसे पहले मैंने अपनी आई लुक जो है वो कर लिया है पाउडर से सेट। कंसीलर ऑलरेडी लगा चुकी थी, अब उसे पाउडर से सेट कर लिया है। अब हम ये आई लुक क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हुदा ब्यूटी के रोज स्क्वाड पैलेट में से मैं ये शेड ले रही हूँ, और एक फ्लफ़ी से ब्लेंडिंग ब्रश पे, थोड़े थिक ब्लेंडिंग ब्रश होता है उससे, और उसे ऐसे अपने क्रीज एरिया पर हम लगाएं। धीरे धीरे डैबिंग मोशन में इसे अपने क्रीज एरिया पर ऐसे लगाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि धीरे धीरे डैब करके कलर को बिल्ड करना चाहिए, एकदम बहुत सारा कलर नहीं ले लेना, धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको ऐसे डैब करते रहना। अब इस पैलेट से ये मजेंटा शेड लेकर एज ए बेस मैं कट क्रीज करूँगी और एज ए बेस इस कलर को अप्लाई करूँगी। ये इतना स्मूथली आपके अप्लाई होता है ना, इतना इजीली इससे कट क्रीज हो गए। इससे पहले आप आई शेडो लगाएं, फिर उसके बाद जो है उसको मैं सलेर पाउडर से साफ करते हैं, फिर कंसीलर से कट क्रीज करते हैं, फिर उसे सेट करते हैं। यार इतना लंबा प्रोसेस, इतना लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा जाता है। बेस्ट है ये, इसको लीजिए बेस की तरह, इतना इजीली ग्लाइड हो जाता है, कोई कंसीलर और लगाने की ज़रूरत नहीं है अलग से कट क्रीज के लिए। इसको मैंने अप्लाई करा है, अब इसके ऊपर मैं पाउडर आई शेडो लगाऊंगी और इतनी ज़्यादा इसकी पिगमेंट आएगी। ये मजेंटा कलर का पाउडर लेके मैं इसको इसके ऊपर सेट कर लूँगी, बस हल्के हल्के डैप करके आपने जहाँ पे इसको लगाया है बस इसको इस पाउडर से आई शेडो से सेट कर लें, पाउडर आई शेडो से, और पिगमेंट चेक करें आप इसकी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये देखें इसका पिगमेंट। अब जो है हुदा ब्यूटी के ही पैलेट से ये शेड लूँगी प्रेशियस डार्क, और इसको कॉर्नर पे अपने आउटर कॉर्नर पे डैप करके थोड़ा सा डार्क करेंगे। सेम डार्क ब्राउन शेडो को बटरलाइन पे लगाऊंगी। लेफ्ट ओवर
जो पिंक शेड आपके ब्रश में रह गया है उसको भी स्मच कर लेंगे। नाउ अप्लाइंग लैशेस। शी ग्लैम के ग्लिटर लाइनर से शेड है कन्फेटी, इससे हम ये लाइन क्रिएट करेंगे। केयरफुली बहुत थिन सी ये लाइन बनानी है। दैट्स इट, ये रही जी फाइनल लुक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।